यात्रा हमसे यात्रा बोलने लगी। कोई आता था कहता था, युवक आता था कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो। कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता, जमीन अधिकरण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिली, मगर मेन थ्रस्ट अगर मैं कहूँ, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें MSP थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये RSS से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं, बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है, और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोवल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा, देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, RSS ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बढ़िए
पानी ले आओ, मैंने पानी तो मुझे मुझे एक एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में, प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई, अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें।